Morning to one and all present here. I actually came here with this video. In this video, we are going to discuss the guest paper of Essential of Management for the BCom first semester. Okay, in this video, we are going to discuss the most important question from each unit. Okay, so let's start. Unit first. First important question is define the management and briefly discuss the essential elements of the management process and the principle of a management. Okay, in this you have to write the definition of management. What does management means? Okay, management is an art of getting the things done through the efforts of the other person. Okay, that is called as a management. Okay, यहाँ पे आपको proper डेफिनेशन देनी होगी. आप यहाँ पे पीटर एफ डकर की भी दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एफ डब्ल्यू टेलर की भी आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि व्हाट डज मैनेजमेंट मींस. ओके, सो आप अगर एफ डब्ल्यू टेलर के लिखना चाहते हो तो लिख दीजिएगा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम दी पीपल एंड सीइंग देम दे आर डूइंग इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे. ओके, सो ये क्या थी एफ डब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी. ओके, आप इस मैनेजमेंट उसके बाद आप क्या करेंगे इसमें फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऐड करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. बेसिकली मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड. ओके, सेकंड फीचर इज दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स कि इट्स इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपकी बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो. ठीक है, किसी भी टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, बिग हो, सब जगह क्या होता है ये मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है. ओके, नेक्स्ट इसका फीचर होता है कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप. ओके, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. क्यों? यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है इज आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर्स. मतलब आप जब ग्रुप में काम करते हैं, दूसरों से ग्रुप में काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इसका फीचर मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन होता है. ओके, एंड मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. ओके, आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपको क्या बताना है इसमें प्रोसेस ऑफ अ मैनेजमेंट बताना है. ओके, सो यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ अ मैनेजमेंट है वो आपके क्या है कि यहाँ पे आपका जो इनपुट्स होते हैं उसको क्या किया जाता है आपके आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है या फ्लो चार्ट बना सकते हैं. हमारे जो ई नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे हमारे अपलोडेड, वहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपर एक डायग्राम है आपका प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट का. ओके, इनपुट से क्या किया जाता है आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है. इनपुट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के पास इनपुट क्या क्या होते हैं, मैन, मनी, मटीरियल, मशीनरीज, मैथड, मार्केट, ये सारा क्या होते हैं, ये सब कंपनी के पास ऑर्गेनाइजेशन के पास इनपुट होता है. उसको क्या करना होता है आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है. आउटपुट मतलब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज में प्रॉफिट के फॉर्म में आपको क्या करना होता है आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है. उसके बीच में आपको क्या क्या की जरूरत होती है, किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत होती है, स्टाफिंग की जरूरत होती है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ओके, ये आपको पांच चीज़ों की जरूरत होती है जिसके बिना आप क्या इनपुट को आउटपुट में नहीं कन्वर्ट कर सकते. आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी, आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करना होगा, प्लानिंग करने के बाद स्टाफिंग करनी होगी, रिक्रूटमेंट करना होगा, ट्रेंड पीपल को सेलेक्ट करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, फिर डायरेक्टिंग मतलब उनको आप डायरेक्शन दीजिए, एडवाइस दीजिए और उनको प्रॉपरली क्या करें कंट्रोल करें कि वो जिस जो आपका टारगेट है उसी को अचीव करने में उसी तरह से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या है कंट्रोलिंग भी एसेंशियल एलिमेंट है. ओके, सो ये प्रॉपर एक आपका चार्ट है, यहाँ पे आप प्रोसेस में दिखाएंगे. ओके, एंड देन आपको क्या करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. आपको यहाँ पे आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, दैट इज गिवन बाय द एफ डब्ल्यू टेलर ने, सॉरी एफ डब्ल्यू सॉरी फ्योल ने दिया था आपके आपके 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को. ओके, सो वहाँ पे आपका कौन कौन सा डिवीजन ऑफ द वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इनिशिएटिव, ये सारे आपके क्या हैं ऐसे 14 प्रिंसिपल्स हैं. आप यहाँ पे एक एक प्रिंसिपल्स को भी डिफाइन करेंगे. ओके, आप एंड इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिएगा नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट. आप नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज अ आर्ट भी बोला जाता है. ओके, सो आप इसको भी ये देख लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द सिस्टम अप्रोच टू द मैनेजमेंट थॉट. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके जो एफ डब्ल्यू टेलर ने देखिए साइंटिफिक आपकी एक मैनेजमेंट थी, एक मॉडर्न मैनेजमेंट थी. ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थी वो आपके एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी. यहाँ पे आपको बताना है कि एफ डब्ल्यू टेलर ने के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या था. ओके, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ थंप रूल था. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को आपको क्या करना है यहाँ पे डिफाइन करना है. एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है सिस्टम, आपका सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच सिस्टम क्या कहता है. यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर ओके, सो यहाँ पे आपको एफ डब्ल्यू टेलर जो है उनके अकॉर्डिंग पहले आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बता दिया. साइंटिफिक मैनेजमेंट में मतलब उनके क्या प्रिंसिपल थे कि साइंस इज नॉट अ थंप रूल उनके अकॉर्डिंग था, और हार्मोनिक नॉट डिस्कॉर्ड इसमें बताया था कि आपके देयर शुड बी अ नो मतलब क्या कॉपरेशन बिटवीन दी वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में नहीं हो. हाँ ठीक है, शुड बी अ कॉपरेशन बिटवीन दी मैनेजर और आपके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ओके, एंड देन इनके जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो था कि मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट. ओके, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट में अराइजेस बिटवीन दी आपके जो मैनेजर है वर्कर्स हैं एट द टाइम ऑफ अ डिवीजन ऑफ द वर्क, जब आपका डिवीजन ऑफ द सरप्लस हो सॉरी जब आपका डिवीजन ऑफ अ सरप्लस होगा उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट में भी अराइजेस बिटवीन दी
सॉरी बिटवीन दी आपके मैनेजर और दी वर्कर्स के बीच में, एंड डिवीजन ऑफ दी वर्क एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी डिवीजन होता है. तो इनकी आपकी कहते हैं कि 5-6 आपके प्रिंसिपल्स थे जो आपके FW टेलर ने दिया था, और FW टेलर को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो अभी आप डिफाइन कर देंगे. उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब क्या है, व्हाट डज इट्स मीन. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि इसके पहले बताना होगा कि सोशल सिस्टम अप्रोच है क्या, किसने इंट्रोड्यूस किया था. इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी चेस्टर बैरनर्ड. ओके, चेस्टर बैरनर्ड ने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि किसने इंट्रोड्यूस किया है. इसमें क्या बताया गया था, इसमें बेसिकली ये बताया गया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इज अ सोशल, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है इज अ सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चरल रिलेशनशिप. के रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दी आपके एक्सटर्नल एज वेल एज द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप है. ठीक है, यहाँ पे कॉपरेशन की जरूरत होती है, कॉर्डिनेशन की जरूरत होती है अमंग दी ग्रुप मेंबर. जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप मेंबर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन होना चाहिए, सो एज टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके. ओके, अब चेस्टर ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक्सप्लेन किया था कि उनके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था. ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल. ओके, फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मिली बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंटरेक्ट, जो भी आपके कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन होता है बिटवीन दी डेलिब्रेट एंड कॉमन पर्पस के लिए होता है. और इनफॉर्मल मतलब इज अ सोशल इंटरेक्शंस होते हैं. ठीक है, सो आपको ये बताना है एक्सेप्टेंस द थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो थ्योरी ऑफ अथॉरिटी थी उसको एक्सेप्ट किया था कि क्या है. मोटिवेशन फैक्टर्स को इसमें इनिशिएटिव लिया गया था आपके मोटिवेशन को. ओके, एंड फंक्शनल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ये क्या थे, ये इनके कंसेप्ट्स थे चेस्टर ने दिया था सिस्टम अप्रोच पे. ओके, सो आप यहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपकी यूनिट है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अब आपको क्या करना है कि व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन मींस. ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है. एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म और द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे करना है. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब ग्रुप ऑफ अ पीपल्स हु आर यूनाइटेड टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस के लिए एक साथ आते हैं. ठीक है, टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए वो एक साथ आते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरियस पोजिशन इन एंटरप्राइजेस के बीच में. वेरियस पोजिशन के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ओके, ऑर्गेनाइजेशन में दिखा सकते हैं कि इसके फीचर्स होते हैं कि टू एंड मोर पीपल्स आर रिक्वायर्ड, कॉमन गोल के लिए आते हैं, कॉमन पर्पस के लिए आते हैं, कॉपरेटिव कोऑर्डिनेशन एफर्ट होता है, डिवीजन ऑफ दी वर्कर्स का डिवीजन होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, एनवायरनमेंट कैसा होता है. ओके, सो यहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइजेशन का दिखा सकते हैं. प्रोसेस भी आप बता सकते हैं, पहले ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया था, आइडेंटिफाइंग दी वर्क, पहले को वर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर ग्रुप दी वर्क, फिर ग्रुप किया जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस होता है ग्रुपिंग दी वर्क को, ग्रुप किया जाता है, उसके बाद एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है. एंड देन आफ्टर establishing a relationship, then there is a delegation of authority between the among the peoples, and then there is a coordinating activities होती हैं. ओके, सो ये क्या है, यहाँ पे आपका पूरा वो है. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस आप इसमें पूरा डिफाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दी लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन क्या है एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, दोनों को एक्सप्लेन करना है. तो आप यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, दोनों आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं. कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली आपका टॉप टू दी बॉटम फ्लो करता है. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, आपके क्या होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर उसमें इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में. तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एडवांटेजेस कि आपका बेटर कंट्रोल होता है क्योंकि टॉप टू द लोअर बॉटम में आ रहा है, क्विक डिसीजन होता है, आपका कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहता है. लेकिन डिसएडवांटेजेस ये होता है सेंट्रलाइजेशन की कि आपका पूरा का पूरा जो बर्डन है वो क्या है, टॉप एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर ही है. ठीक है, सेकेंड होता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, डिससेटिस्फैक्शन उनके बीच में आ जाता है, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि उनको कोई भी उनके डिसीजन में कोई भी उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो टॉप लेवल का है. तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन की एक आपकी फीलिंग आ जाती है आपके सबॉर्डिनेट्स के अंदर. ओके, एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव आइडियाज़ का लैक होता है क्योंकि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही जो कर रहा है डिसीजन ले रहा है, वही सिर्फ अपने डिसीजंस दे रहा है, वही हर चीज़ कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है हर चीज़. तो क्या होता है, यहाँ पे आपका इनिशिएटिव आइडियाज़ जो होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सबॉर्डिनेट्स अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर पा रहे. ओके, नेक्स्ट है आपका डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. बेसिकली क्या होता है, पहला तो ये होता है कि आपके जो डिसएडवांटेजेस है सेंट्रलाइजेशन के वो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस हो जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो बर्डन होता है उसको रिड्यूस करता है, मोटिवेट करता है सबॉर्डिनेट्स को, वहाँ पे डीमोटिवेट कर रहा है, यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है, बेटर डिसीजन होता है, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं आपके, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड और ज़्यादा करती है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपका हर एक मेंबर जो है वो अब डिसीजन लेने लगा है, हर एक मेंबर को डिसीजन लेने का वो, तो क्या है यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल आ जाती है एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे आप ये करेंगे, डिफाइन करेंगे. ओके,
नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द बेसिस ऑफ अ डिपार्टमेंटेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड मेजर्स टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको डिपार्टमेंटेशन बताना है कि व्हाट डज डिपार्टमेंटेशन मीन्स. ओके, सो बेसिकली डिपार्टमेंटेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द वर्क. आपके पास वर्क है ज़्यादा, आपके पास मतलब काम है, वो क्या किया जाता है, आप उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं वर्क को, और फिर उसको क्या करते हैं रीऑर्गेनाइज इनटू अ बिग यूनिट में क्या करते हैं, फिर उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फीचर्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली डिपार्टमेंटेशन मीन्स अ डिवीजन ऑफ द वर्क इनटू अ स्मॉलर यूनिट एंड दीज स्मॉलर यूनिट्स, जो ये स्मॉलर यूनिट्स उसको रीग्रुप किया जाता है इनटू द बिग यूनिट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये होता है आपका डिपार्टमेंटेशन. ओके, सो यहाँ पे आप डिपार्टमेंटेशन बताएंगे एंड डेलीगेशन क्या होते हैं. पहले आपको बताना होगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है. यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब आपका क्या होता है, डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटी को. डेलीगेट मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके जो सुपीरियर हैं वो क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर देते हैं, मतलब अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपीरियर को जो मिला है काम, वो डेलीगेट कर देते हैं टू देयर सबॉर्डिनेट को कि वो उनका काम करें. ओके, इट कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर. ओके, इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस होता है. यहाँ पे क्या किया जाता है, पर्सन डेलीगेट हिज अथॉरिटी हिज पावर हिज कंट्रोल हिज वर्क टू द अदर पर्सन को दे दिया जाता है. इट्स क्रिएट अ वेल कोऑर्डिनेशन. ये बेसिकली क्या करता है, आपका कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में. ओके, सो ये है. लेकिन इससे क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या अराइज हो रही है, मतलब आपके जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि डेलीगेशन से क्या होते हैं कि प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द सुपीरियर की वजह से हो सकती है, डिफिकल्टीज ऑफ द सबॉर्डिनेट की हो सकती है, प्रॉब्लम ऑफ बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, ये तीन बेसिकली प्रॉब्लम होती हैं. ओके, सो पहले क्या है, आपकी प्रॉब्लम ऑफ बिकॉज ऑफ द सुपीरियर की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लैक ऑफ अ ट्रस्ट, इनसिक्योरिटी ऑफ देयर पोजिशन, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है. ओके, ओवर बर्डन हो सकता है विद देयर ओन. ओके, ये आपकी क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ द बिकॉज ऑफ द सुपीरियर एंड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ जो डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स की वजह से आती है वो क्या प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ओवर बर्डन हो जाता है कि उस आपके सुपीरियर का भी काम उसको करना है, ठीक है, विद देयर ओन वर्क, उसके काम के साथ साथ उसके सुपीरियर का जो उसने उसको काम दिया है डेलीगेट किया है उसको भी करना है, लैक ऑफ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अ मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव्स. ओके, ये क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ द सबॉर्डिनेट की प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, देखिए, डू नॉट हैव एनी पॉलिसीज टू सपोर्ट द डेलीगेशन. ओके, पहला तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि इन एडुकेट प्लानिंग होती है, लैक ऑफ अ प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, तो ये तीन चार प्रॉब्लम होती है. और कौन कौन से मेजर्स हैं, आप किसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेजर्स के थ्रू आप ये प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं. ओके, जो आप यहां पे क्या करेंगे, जो बेसिकली पैरामीटर्स हैं उसको आप यहां पे लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्टाफिंग, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ अ स्टाफिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट डज स्टाफिंग मीन्स, आपका स्टाफिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखना है, एंड देन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उसका प्रोसेस क्या होता है स्टाफिंग का, एंड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हैं. ओके, सो आप यहाँ पे हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे. पहले स्टाफिंग क्या होती है. ओके, सो यहाँ पे आप स्टाफिंग बताएंगे, बेसिकली स्टाफिंग में क्या होता है, बेसिकली स्टाफिंग में हमको पता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एन एम्प्लॉय का होता है, ठीक है. स्टाफिंग क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट का पार्ट है, जो बेसिकली कंसर्न किससे होता है, आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, यूटिलाइजेशन से, ठीक है. यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हैं कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म इंप्लीमेंट, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स की जरूरत होती है, मल्टीपल एफर्ट्स होते हैं आपके, ठीक है. अब इसमें क्या करना है, आपको प्रोसेस डिफाइन करना है, क्या क्या प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए. रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अ पीपल एंड इंकरेजिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर देयर जॉब पोजीशन. मतलब जब कोई वैकेंसी दिखते हैं रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मतलब कि आपके पास कैंडिडेट नहीं, आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म निकाल रहे हैं, आप कैंडिडेट्स को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं उनको, और उनको इंकरेज कर रहे हैं कि वो इस जॉब पोजीशन के लिए अपने आप को फिल करें, फाइल करें. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिक्रूटमेंट. देन सिलेक्शन, आपका रिक्रूटमेंट जो होता है वो पूल में होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, बट सिलेक्शन क्या होता है, उस पूल में से आप क्या करते हैं, कुछ लोगों को ही, कुछ कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिलेक्शन. ओके, उसके बाद क्या होता है, फिर प्लेसमेंट होता है. आप सिलेक्शन देने के बाद क्या करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं, मतलब जो कैंडिडेट को आपने सेलेक्ट किया है वो किस जॉब के लिए, किस जॉब पोजिशन के लिए एलिजिबल है, उस पर आप क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं. एंड देन आफ्टर दैट ओरिएंटेशन होता है. ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोड्यूसिंग दी आपके जो न्यू एम्प्लॉय है, जो न्यू कैंडिडेट है, उसको आप मतलब फैमिलियर बनाते हैं विद दी जॉब इन्वायरमेंट, जो आपके वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है, जॉब वर्क से स्टाफ मेंबर से फैमिलियर करते हैं. ओके, इससे क्या होता है, बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, जो आपके एम्प्लॉयज है वो क्या करता है, सेल्फ बिलोंगिंग की फीलिंग आती है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बिल्डअप द कॉन्फिडेंस इन दी न्यू एम्प्लॉयज के बीच में, कॉन्फिडेंस वो फ्रीली अच्छे से वहाँ पे काम कर सकता है उस एन्वायरमेंट में. ओके, आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है. ओके, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
जो डिफरेंट प्रोसेस हैं उसको आप डिफाइन करेंगे. ओके एंड देन आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट बताना है. रिक्रूटमेंट मैंने बता दिया कि सर्चिंग एंड इंकरेजिंग अ पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना. ओके इसमें दो सोर्सेज होता है, एक इंटरनल सोर्सेज होता है, एक एक्सटर्नल सोर्सेज होता है. इंटरनल मतलब आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जो आप रिक्रूटमेंट करते हैं वो कहलाता है इंटरनल सोर्स. एंड एक्सटर्नल सोर्स मतलब आप बाहर जाके, मतलब आप बाहर से आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन से जाके आप क्या करते हैं कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करते हैं. तो वो दो आपके प्रोसेस सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे. ओके एंड देन देयर इज अ मोटिवेशन, क्या होता है, एंड एक्सप्लेन दी थ्योरीज ऑफ द मोटिवेशन. यहाँ पे आपको क्या करना है, मोटिवेशन बताना है, व्हाट डज दी मोटिवेशन मींस. एंड आपको क्या करना है, जो थ्योरीज हैं आपके, डिफरेंट थ्योरीज आप मोटिवेशन की हैं, यहाँ पे आपकी आपकी थ्योरी है मास्लो थ्योरी है, आपकी हर्ज़बर्ग ने थ्योरी दी है आपकी. ओके एक्स एंड वाई जेड थ्योरी है, ये सारी मोटिवेशन की थ्योरी है, यहाँ पे आपको कोट करनी है. ओके सो पहले आपको मोटिवेशन डिफाइन करना है. बेसिकली मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि आप इंकरेज कर रहे हैं एक पर्सन को, किसी पर्सन को, कि वो ये काम कर सकता है. एंड उससे ही क्या कर रहे हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवा रहे हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोटिवेशन. ओके सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग दी एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्शन टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल को अचीव करने के लिए. ओके सो मोटिवेशन में आपको पहले बताना है मोटिवेशन क्या होता है, फिर डिफरेंट थ्योरीज को बताना है. देखिए आप यहाँ लिख दी गई है वाई जेड आई एक्स वाई मास्लो हायरार्की और हर्ज़बर्ग मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी बतानी है. ठीक है, एक्स आपकी जो एक्स और वाई थ्योरी क्या कहलाती है. ठीक है, एक्स वाई थ्योरी देखिए बेसिकली एक्स थ्योरी क्या कहती है, एक्स थ्योरी में जो भी ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पे जो भी डिफाइन किया गया एक्स थ्योरी में, वो ह्यूमन बींग को डिफाइन किया जो बेसिकली लेजी नेचर है. मतलब लेजी नेचर है कि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं. दे डू नॉट वॉन्ट टू वर्क अनटिल दे हैव अ टू फेस अ पनिशमेंट और दे गेट एनी रिवॉर्ड. मतलब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी ह्यूमन बींग्स को डिफाइन किया गया है एक्स थ्योरी में, वो ऐसे पर्सन हैं जो बेसिकली लेजी हैं, जो काम करना ही नहीं चाहते हैं. ठीक है, वो सिर्फ काम करेंगे जब उनको कोई पनिशमेंट मिलेगी. इसको बेसिकली एक्स थ्योरी को हम लोग कैरेट और स्टिक अप्रोच भी बोलते हैं. ओके सो एक्स थ्योरी क्या है, जेड वाई थ्योरी क्या कहलाती है. वाई थ्योरी मतलब यहाँ पे वाई थ्योरी में उन ह्यूमन बींग्स को लिया गया है जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने काम को करने के लिए. मतलब वो अपने काम को करने में मतलब इंजॉय करते हैं, वो काम करना चाहते हैं. ठीक है, द पर्सन इंजॉय वर्क एज अ चाइल्ड इंजॉय द गेम. ओके सैम यहाँ पे उन पर्सन को यहाँ पे इस थ्योरी में किया गया है. यहाँ पे क्रिएटिविटी इनोवेशन रहता है. ठीक है, यहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट रेमुनेशन फॉर देयर वर्क, जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए वो रेमुनेशन एक्सेप्ट करते हैं. ओके सो ये वाई थ्योरी आपकी. फिर देन देयर इज अ मास्लो हायरार्की थ्योरी आपकी. क्या हायरार्की थ्योरी क्या है, यहाँ पे आपकी हायरार्की बनती है. मास्लो ने हायरार्की थ्योरी दी थी आपकी. यहाँ पे आपको क्या करना है, वो डिफाइन करना है साइकोलॉजिकल. पहला आपको कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड थी. ठीक है, देन देयर इज अ सेफ्टी नीड. ओके आफ्टर दैट इज अ सोशल नीड. ओके सोशल नीड के बाद क्या होता है, सेल्फ एस्टीम नीड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ओके जो पहला आपके क्या है, साइकोलॉजिकल नीड मतलब आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक नेसेसिटी है, फूड शेल्टर क्लॉथ, ये सारी आपकी नीड्स पहले पूरी. उसके बाद सेफ्टी नीड, उसके बाद आपकी जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाए उसके बाद आपको सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. ओके नेक्स्ट आपकी क्या है, प्रोटेक्शन के बाद आपको सोशल नीड चाहिए. सोशल नीड मतलब आपको रिस्पेक्ट चाहिए, बिलोंगनेस चाहिए, फीलिंग ऑफ बिलोंगनेस चाहिए. ओके लव अफेक्शन चाहिए. ओके उसके बाद आपकी क्या है, उसके बाद क्या होती है, सेल्फ एस्टीम नीड होना है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एस्टीम मतलब सेल्फ प्रेस्टीज, आपके पास अच्छा जॉब होना चाहिए, अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, ये आपको. फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो आपके लास्ट नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. इस तरह से आपकी हायरार्की मास्लो ने आपकी मोटिवेशन थ्योरी दी थी कि पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी होगी, उसके बाद सेफ्टी, उसके बाद आपकी सोशल, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके सो आप ये यहाँ पे डिफाइन करेंगे. ओके नेक्स्ट आपकी हर्ज़बर्ग मोटिवेशन थ्योरी. हर्ज़बर्ग मोटिवेशन थ्योरी को हम लोग टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं. यहाँ पे दो फैक्टर्स को डिफाइन किया गया था, एक मोटिवेशन फैक्टर को डिफाइन किया गया था, एक हाइजीनिक फैक्टर्स को डिफाइन किया गया था. ओके मोटिवेशन फैक्टर मतलब अचीवमेंट, ग्रोथ, एडवांसमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे क्या थे आपके, वर्क इटसेल्फ, ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर. वेयर एज हाइजीनिक फैक्टर्स मतलब सुपरवाइजर, वर्क कंडीशन कैसी है आपका, जो भी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कितनी सिक्योरिटी है आपके जॉब की, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी आपके हाइजीनिक फैक्टर. दो फैक्टर थ्योरी है, इसको बोला भी जाता है हर्ज़बर्ग को. ओके आफ्टर दैट इज़ डिफाइन द ट्रेनिंग एंड ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन दी. आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग बताना है कि व्हाट डज ट्रेनिंग मीन्स. ओके एंड आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि रिक्रूटमेंट और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है. ओके सो आप मैंने बता दिया था आपको कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट क्या होता है. रिक्रूटमेंट मतलब आप क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट को सर्च कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर देयर जॉब पोजीशन के लिए. वेर एज आपका सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन मतलब आपके पास पूल ऑफ अ कैंडिडेट है, आप उसमें से कुछ नंबर ऑफ अ पीपल्स को सेलेक्ट करेंगे जो उस जॉब पोजीशन के लिए एलिजिबल है और क्वालिफाइड है. ओके उनको सेलेक्ट करते, तो आप दोनों मिनट्स में डिफरेंस लिखेंगे. ओके ट्रेनिंग आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, आप जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सो एज दे कैन
क्या कर सके, वो और अच्छे से काम कर सके, उसको और एक्सपर्ट बना रहे हैं ट्रेन करके. ओके सो ट्रेनिंग यहाँ पे क्या होती है वो आप डिफाइन करेंगे. ओके नेक्स्ट आपकी यूनिट है फोर्थ यूनिट, MBO क्या होता है एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द MBO, MBA एंड ऑल्सो MBE एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी. ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, MBO डिफाइन करना है कि ओके सो यहाँ पे आपको MBO बताना है कि MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. ओके इसको पीटर डकर ने दिया था इन 1954 में. ओके इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना होगा, इसकी फीचर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ओके एंड देन देयर इज अ MBE, MBE क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है, ओके ये किस पे फोकस करता है, आइडेंटिफाइंग एंड हैंडलिंग दी केसेस दैट डाइवर्ट फ्रॉम दी नॉर्म्स रिकमेंडेशंस और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस बाय दी आपके मैनेजमेंट. तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना और आपकी क्या पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी का मतलब होता है. ओके सो पॉलिसी और स्ट्रैटेजी का यहाँ पे मतलब बताना है कि व्हाट डज पॉलिसी मीन्स. ओके सो आप बता सकते हैं कि पॉलिसी बेसिकली क्या है, आपका बेसिक स्टेटमेंट दैट अ गाइड डिसीजन मेकिंग. ठीक है आपका एक बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक आपका स्टेटमेंट दिया गया है जो आपके क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग को गाइड करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी. स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन दैट प्रिस्क्राइब द रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज एलोकेशन है, एक्टिविटीज डील्स विद द एनवायरमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ओके सो आपको ये दोनों एक्सप्लेन करना है. ओके नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंट्रोल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द नेचर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोल एंड द आपके कोऑर्डिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है. ओके सो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोलिंग डिफाइन करना है कि व्हाट डज कंट्रोलिंग मीन, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, एंड आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंट्रोलिंग के. ओके सो यहाँ पे आप बता सकते हैं कंट्रोलिंग क्या है. ओके कंट्रोलिंग मतलब कि आप जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल है, जो आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है आपको अचीव करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उसको अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं कंट्रोलिंग करते हैं कि आप ये देखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं. ओके सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब क्या है, प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर इंश्योर दैट द रिसोर्सेज, जो भी आपको रिसोर्सेज जो भी ऑब्टेंड किया है उसको आप इफेक्टिवली और इफेक्टिवली और इफिशियंटली क्या उसको यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सो एज टू अकम्पलिश देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए. ओके सो ये है आप देख लीजिएगा, और आप प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशनशिप भी देख लीजिएगा. ओके इसमें इंपॉर्टेंट है. ओके एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिफाइन करना है कि इसके क्या क्या बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि बेसिकली अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ पॉपअप किया जा रहा है, उसको आपको अडॉप्ट किया जा रहा है. ओके सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये सब. ओके नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम की कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बीच में डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के बीच में. ओके सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस दोनों के बीच में लिखेंगे. ओके सो ओके सो दैट फॉर ऑल. ओके सो ये आपके पूरे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. ओके सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी. ओके आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज क्लिक ऑन द थंब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.